इस वक्त हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है ये वाला टॉपिक देखेंगे। और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसमें आपका जो वेरिएबल होगा वो खुद पावर में होगा, ठीक है। वेरिएबल इज इन पावर। तो अब आप देखते हैं, आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है, 5 रेज टू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 7। अब ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो खुद पावर में लिखा हुआ है। सॉल्व करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इस वेरिएबल को ना पावर से नीचे बेस में लाना पड़ेगा, और उसके लिए दो तरीके हैं। या तो आप दोनों साइड्स पे बेसिस सेम बना लें और पावर्स को इक्वेट कर दें, फिर उसमें से एक्स को सॉल्व कर लें। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो फिर अगला काम हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर दोनों साइड्स पे लॉग ले। तो लेफ्ट साइड का लॉग ले लिया, राइट साइड का भी लॉग ले लिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी कि जो पावर की पावर है वो आपका कोफिशिएंट बन जाएगा। तो आपके पास 2x प्लस 1 टाइम्स लॉग 5 और लॉग ऑफ 7 ऑन द राइट हैंड साइड। अब आप ये कर लें कि लॉग 5 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों के साथ आप लॉग 5 को मल्टीप्लाई कर लें, और दूसरी साइड पर आपके पास लॉग 7 लिखा हुआ है। अब लॉग 5 को अगर हम वहाँ मूव कर देते हैं तो आपके पास ये वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लॉग 7 माइनस लॉग 5 ये आपके पास आ गया, और 2 टाइम्स x लॉग 5। अब हम ये करते हैं कि ये जो 2 लिखा हुआ है इसके ऊपर लॉग की एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। जिस तरह पावर को कोफिशिएंट बनाया जा सकता है, इसी तरह से इस नंबर को दोबारा पावर भी बनाया जा सकता है। तो इसको मैं 5 की पावर में मूव कर देता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे लॉग 7 माइनस लॉग 5 लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है लॉग ऑफ 7 माइनस लॉग ऑफ 5। अब इस लॉग 25 को अगर हम दूसरी साइड पे मूव करें तो लॉग ऑफ 7 माइनस लॉग ऑफ 5 डिवाइड हो जाएगा लॉग 25 से। और अगर इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हम आंसर फाइंड करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0.105 आ जाएगी, और ये आंसर है विच इज करेक्ट अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरह से आपने एक एक्सपोनेंशियल सॉल्व करके, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके उसका We आंसर try to निकाला। explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you like the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.